के कौशाम्बी में लगभग 292 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित दुर्गा भावी सेतु में दरार पड़ने के बाद अब प्रदेश की सियासत गर्माने लगी है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद पर सीधे हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मेरे सुनने में आया है कि ये जो क्रांतिकारी दुर्गा भाभी सेतु है, इसको छेनी और हथौड़े से क्षतिग्रस्त किया गया है, जिसे सुनने के बाद खुद विधायक निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि यहाँ पर एक या दो इंच नहीं बल्कि लगभग एक हाथ के बराबर सड़क दरक चुकी है। दरारें हद से ज्यादा हैं। नवनिर्मित सरिया सड़क के ऊपर दिखने लगी है, जिसे आप हाथ तक से मोड़ सकते हैं। विधायक ने उप मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि यह आतंकवादी गतिविधियां हैं और अगर खुद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ऐसी बात बोल रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप इस बात को गंभीरता से लें। आपके उप मुख्यमंत्री यह बात बोल रहे हैं कि हम धरोहर को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, ऐसे में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आप इस्तीफा दे दें। बता दें कि दो दिन पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जनपद में आगमन हुआ था। इससे पहले ही सेतु निगम के अफसरों ने पोखराज थाने में तहरीर देकर शरारती तत्वों का कारनामा बताया था। इस पर पल्लवी पटेल ने कहा कि अगर शरारती तत्व हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को गंभीरता से लें और निष्पक्ष जांच कराएं। जो भी दोषी हो, जिसकी भी संलिप्तता हो इस भ्रष्टाचार में, धन के लूट खसोट में, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें कि डॉक्टर पल्लवी पटेल ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर उप मुख्यमंत्री को लूट खसोट गिरोह का सरगना बताया था। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा था वह 100% सही है। और क्या कुछ कहा सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने, आप भी सुनिए। सुनने में आ रहा था कि पुल को छेनी और हथौड़ी से तोड़ा गया, क्षतिग्रस्त किया गया है, तो पुल का निरीक्षण करने आए। मुझे छेनी और हथौड़ी से तोड़ने के साक्ष्य तो नहीं मिले, लेकिन ये ज़रूर देखने को मिला कि प्रतापगढ़ से जहाँ ये पुल शुरू होता है, प्रतापगढ़ साइड से, वहाँ लगभग एक हाथ तक की गहराई है, सड़क दरक चुकी है। और कौशाम्बी की तरफ जब आप एंटर करते हैं तो वहाँ पर सरिया की जो स्ट्रेंथ इस पुल में इस्तेमाल की गई है वो इतनी कमज़ोर है कि आप उसको हाथ से मोड़ सकते हैं, जो कि एक कमरे की छत डालने के लिए भी शायद उपयोग नहीं की जाती है। और ऐसे में हम जनपद कौशाम्बी के लोग, जनपद प्रतापगढ़ के लोगों की ज़िंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मामले की गंभीरता को समझते हुए, जहां खुद प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कह रहा है कि छेनी और हथौड़े से क्षतिग्रस्त किया गया है, तो छेनी और हथौड़ी से क्षतिग्रस्त या बम से उड़ाने का काम आतंकवादी लोग करते हैं, तो मामले की गंभीरता को समझते हुए माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर तुरंत रिजाइन करना चाहिए, अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो विधायक जी, इस बात को आप सदन में उठाएंगे कि यहाँ ये ऐसे इतने 9 महीने हुए हैं, अभी भ्रष्टाचार के पेड़ चढ़ गया, तो क्या आप उठाएंगे इस सदन में? देखिए, जनता के आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला है कि सदन में अपने देश, अपने प्रदेश के लोगों की आवाज़ में उठाऊँ। और क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है और इसमें इस बात की पारदर्शिता होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए कि सरकारी पैसा जो लोगों के उत्थान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसकी लूट घसोट कैसे हुई, भ्रष्टाचार में कौन कौन शामिल है। मुझे मौका मिलेगा तो निसंदेह मैं ये प्रकरण को सदन में उठाऊंगी और इसका जवाब भी सरकार से लेके दूंगी। आपने एक ट्वीट किया है जिसमें इस पुल के साथ साथ कछुआ में ट्रामा सेंटर और सर्किट हाउस के भी आपने जांच की बात कही है, क्या सिराथू की जनता क्या समझे कि अब लगभग सभी इस तरह की चीज़ों की जांच होगी? जी बिल्कुल, मैं इस बात के लिए कटिबद्ध हूँ कि सरकारी निर्माण जो भी हो रहा है, मैं उन सभी का जाके स्थलीय निरीक्षण करूँ, क्योंकि ये मेरी जनता की जान का सवाल है और सरकार का जो पैसा है, जो जनता के विकास के लिए इस्तेमाल होता है, उसका सही उपयोग हो। ये सरगना कौन है? आपने एक ट्वीट किया था। देखिए, मैंने ये कहा है कि यहाँ पर जो अपने आप को कौशाम्बी का बेटा कहते हैं, उन्हीं के लिए मैंने कहा है कि वो ठेकेदारों का सरगना है, क्योंकि यहीं पर इस पुल का उद्घाटन उनके ही कर कमरों द्वारा किया गया है और किसी भी स्थिति में हम इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमें जानकारी नहीं थी। वहीं जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से विधायक पल्लवी पटेल द्वारा दी गई टिप्पणी पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ी नम्रता से जवाब दिया। क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, आप भी सुनिए। शहजादपुर में ओवरब्रिज में दरार आई है, पल्लवी पटेल आई होगी यार, यूट्यूब का जवाब ट्वीट किया है सर, उन्होंने कहा प्रदेश का एक डिप्टी सीएम लूट घसोट गिरोह का सरगना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है सर। इस पर मुझे जवाब देना उचित नहीं लगता और आपको सवाल भी।
अब देखना ये होगा कि सराधु विधायक पल्लवी पटेल द्वारा लगाए गए आरोप कितने सच साबित होते हैं, क्या वाकई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं सिराथू तहसील के सहजादपुर करेटी पुल पर। सहजादपुर करेटी पुल कौशाम्बी से कुंडा को जोड़ता है, जिसकी कीमत 292 करोड़ की लागत से पुल बनकर तैयार हुआ था। दुर्गा भाभी सेतु पुल में अचानक दरारें आने लगी, सड़क धस गई, जिसके चलते यहां पर राजनीति माहौल गर्म आ गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृहनगर में इस पुल का निर्माण कराया गया था, उसके बाद इस पुल में दरार आ गई, सड़क धस गई, जिसकी खबर मीडिया में चलने के बाद अपना दल और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल मौके पर निरीक्षण करने पहुंच गई। उनका साफ तौर पर कहना था कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 292 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण कराया है, जिसमें कई खामियां हैं और इस पुल में काफ़ी पैसे की घोटालेबाजी भी की गई है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सेतु निगम द्वारा इस पुल का निर्माण कराया गया है और इस पुल में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जिसके चलते उन्होंने कहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रीय सेतु निगम ने कोखराज पुलिस को एक शिकायती पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ शरारती तत्वों ने इस पुल पर सरिया निकालने की नीयत से गड्ढे खोद दिया है। ये बात किसी के दिमाग और दिल में हजम नहीं हो रही है। फिलहाल इस पुल का निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले में क्या कार्रवाई होगी, क्या जांच होगी, अब कितना टाइम लगेगा ये सामने आने वाला वक्त ही बता पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीलकमल के साथ मोहम्मद यासीन, अखबार वाला.com, कौशाम्बी।